जो कुछ बोल नहीं पाती थी उसको सिखाए, तब जाके उसको बोलना नहीं सुनूंगी। तब तक वो आती थी कहती थी कि हमको मंत्री बनाइए, हम बिना मंत्री बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, सब बात नहीं है, चली गई। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूँ प्रीति आपके साथ। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां पूरे देश में इस वक्त तेज हैं और आपको हम बता दें कि दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल यानी बस एक दिन बाद है, जिसको लेकर के पूरे देश भर में तैयारियां जोरों शोरों पर है। तो वहीं नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है। इस बार की हॉट सीट बनी पूर्णिया, जहाँ से RJD की तरफ से बीमा भारती चुनाव में खड़ी है, तो वहीं NDA की तरफ से संतोष कुमार कुशवाहा है और साथ ही इसे त्रिकोणीय लड़ाई बनाते हुए पप्पू यादव भी इस बार निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। पिछले ही दिनों CM नीतीश कुमार पूर्णिया पहुंचे थे अपने प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा के लिए जनता के बीच वोट अपील करने, और इसी बीच अपने भाषण में उन्होंने RJD की प्रत्याशी बीमा भारती पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि पहले बीमा भारती हमारे साथ थी, हमने उनके लिए इतना कुछ किया लेकिन फिर भी वह भाग गई, और भाग गई तो अच्छा हुआ क्योंकि हर बार मंत्री बनाए जाने की जिद करती थी। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीमा भारती को तो बोलना भी नहीं आता था, वो भी उसे हमने सिखाया है। अभी वो को तो हम ही लोगों के पटिया में जिसको इतना दिल का बिक जाती है और वही भाग गई और भाग गई भाग वो जाती थी कहती थी कि हमको मंत्री बनाइए, हम बिना मंत्री बनाइए, एक लेसी सिंह को बनना है पहले से है, हम नहीं बनाएंगे, सब बात नहीं है, चली गई। अच्छा हुआ आप जिसको इतना इज्जत किए पहले भी बनाए, आप पहले कुछ बोल नहीं पाती थी उसको सिखाए, तब जाके उसको बोलना नहीं सुनूंगी, तब जाकर के सबका आजकल हालत हुआ, आप कैंडिडेट हो गए। तो अच्छा ही है, ऐसे लोग हैं जिनका कोई काम नहीं है और जो अपने हित में ही सब लोग सोचे तो सोचते रहे, हमको क्या मतलब है। इस बयान के बाद सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं RJD की प्रत्याशी बीमा भारती ने ट्वीट कर इसका जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको उन्होंने ठगा नहीं, ऐसे बयानबाजी हो रही है, और ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट करते हुए उनके बयान का जवाब दिया है। पूर्णिया में JDU प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के समर्थन में रैली करने पहुंचे CM नीतीश कुमार ने RJD प्रत्याशी बीमा भारती पर की गई टिप्पणी पर आज बीमा भारती ने खुद अपना पहला रिएक्शन दिया है। बीमा भारती ने CM नीतीश पर राजनीतिक तौर पर उनका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और कहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे आपने ठगा नहीं। बीमा भारती ने ट्वीट करते हुए कहा, नीतीश जी मुझे चाशनी में भरे शब्द आए ना आए, गरीबों के दर्द को समझना अच्छे से आता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रथम बार निर्दलीय जीती थी, उसके बाद राजद से विधायक थी, आपने अति पिछड़ा वोट के लिए मेरा और मेरे पिताजी का राजनीतिक रूप से प्रयोग किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लालू जी ने मुझे सांसदी का मौका दिया, 5 बार के MLA से आपको क्या जलन है, आपने अपने एक स्थानीय खास के चलते मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित करवाया, हमको राजनीति आप क्या सिखाएंगे, हम पहली बार MLA निर्दलीय बने थे, आपको जरूरत थी इसलिए आपने मुझे छोड़ा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे आपने ठगा नहीं। आपको बता दें कि CM नीतीश ने पूर्णिया से राजद प्रत्याशी बीमा भारती के बारे में कहा था कि चली गई तो अच्छा हुआ, कहती थी कि मंत्री बनाइए, नहीं बनाए तो चली गई, हमने उन्हें विधायक बनाया, कैबिनेट में भी शामिल किया, वह जिद पर अड़ी हुई थी कि मुझे मंत्री बना दीजिए। चुनावी मैदान में इस बार नेताओं के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। इस बार हॉट सीट बनी पूर्णिया में NDA और RJD के बीच जंग दिख रही है, जहां CM नीतीश कुमार ने बीमा भारती पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं बीमा भारती ने भी ट्वीट कर इसका जवाब दे दिया, साथ ही तंज कसते हुए CM नीतीश को कह दिया कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे उन्होंने ठगा नहीं। तो अब देखना होगा कि आखिर इस बयानबाजी का सिलसिला कब रुकता है और जनता इस बार किसे समर्थन देती है पूर्णिया से। क्या इस बार RJD से बीमा भारती बाजी मार ले जाएंगी या संतोष कुमार कुशवाहा या फिर निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव का इस बार पगड़ा भारी होगा, ये देखना हो। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।